अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ग्रेड फिफ्थ. स्टूडेंट, यू माइंड हैव नोन दैट वी हैव डन आवर रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर वन. टुडे आई विल मेक यू डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर वन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन इंडेक्स. हेयर यू हैव टू राइट पेज नंबर, हेयर यू हैव टू राइट डेट, हेयर यू हैव टू राइट chapter name. Then you have to maintain heading of first semester bi-monthly work has been started. On next page you have to write chapter name the river bank. Then come to the next page, two page writing. As you know, we have done the reading of chapter number one. Now we will move towards our exercise. Now I will make you do words meaning. Number one, river bank, darya ka kinara, penetrating, surab karna, bolded, bhag jana, prevenging, fayda, ikhtiyar, chuffing, chilka, jeringing, mazak udate hue, mean rate, chakkar khana, ghumna, fetishly, चिड़चिड़ार, प्रिंसेस, गर्ल, नाव चलाना, कैप्चर, बेखुदी, एथियसिस, हजरत, खुशी, स्प्लैशेस, टीचर, एक्टिंग, लगातार दर्द. नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर वन, विच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द फर्स्ट पैराग्राफ टेल अस दैट द मून वांटेड टू बी आउट इन द फ्रेश स्प्रिंग. कह रहे हैं कि इस वर्ड्स में आप पैराग्राफ जो आपने फर्स्ट पढ़ा उसे बताएं कि मूल क्या चाहता था अपने घर में और स्प्रिंग यानी कि बाहरी बाहर यानी कि बाहर जो आनी थी उसकी वजह से क्या चाहता था ये बताना है. सो आंसर इसका वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द फर्स्ट पैराग्राफ विच टेल दैट द मूल वांट टू बी आउट इन द फ्रेश स्प्रिंग एयर आर. पहला पैराग्राफ में मूल जो चाहता था स्प्रिंग के बारे में, फ्रेश स्प्रिंग के बारे में, वो यहाँ पर आपको लाइन दी हुई है. नंबर ए, स्प्रिंग वाज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम. यानी वो चाहता था कि स्प्रिंग में वो अपने घर की यहाँ वहाँ की सफाई कर ले, यानी कि हर जगह की करें. और नंबर टू, सनलाइट. नंबर थ्री, वार्म ग्रास. नंबर डी, समटाइम समथिंग अप अबव वाज फॉलिंग. और उस वक्त क्या था कि पहले में क्या था, स्प्रिंग की इसको यहाँ वहाँ हवा चलने की आवाज आ रही थी अर्थ के यहाँ पर. और दूसरा क्या था, रोशनी थी. तीसरा क्या था, उसको घास नरम सी. और चौथा क्या था, उसको कोई आवाज दे रहा था, यानी कि उसको आवाज नहीं थी, यानी कि बाहर आवाज आ रही थी. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब हाउ द रैबिट्स रिएक्ट व्हेन द मून पास्ड बाय द प्राइवेट रोड. अब आप इस सवाल में पूछा गया है कि रैबिट जो वहाँ से गुजर रहे थे क्या रिएक्ट था जब वो प्राइवेट रोड यानी कि वहाँ से गुजर रहे थे, क्या मोल का रिएक्ट था, ये देखना, ये आंसर आपको बताना है. एंड एडली रैबिट्स इमिडिएटली ट्राइड टू चार्ज द मोल सिक्स पैन फॉर हैविंग पास बाय अ प्राइवेट रोड. और यानी कि जो बुजुर्ग रैबिट से वो एकदम चार्ज हो गए, यानी कि अपनी बैटरी चार्ज है, क्योंकि ट्रायड थे, वो खेल रहे थे. और एकदम वो देखा कि क्या रिएक्शन होता है, कि कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, मोल ने कुछ भी नहीं कहा था उनको. अब कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, डू यू थिंक द मोल वॉज इंजॉइंग द स्प्रिंग सीजन. आपको क्या लगता है कि मोल जो थी उसको स्प्रिंग सीजन उसने इंजॉय किया. फिर identify the sentences which tell the readers about the moon's enjoyment. फिर उसके बाद आप identify करें sentence में जो आपने reading की थी उसमें बताएं कि मून ने कहाँ कहाँ जगह पे enjoy किया था, आपको ये बताना है. So come to the answer. The moon was truly enjoying the spring season, but not cleaning sentence that tell that the moon was enjoying spring. और जी हाँ, मोल ने स्प्रिंग सीजन इंजॉय करा, लेकिन क्लीनिंग के मामले में वो बिल्कुल भी उसने इंजॉय नहीं करा था. ये सेंटेंस से बताते जैसे कि मैंने आपको रीडिंग करवाई थी. तो नंबर ए, द सनशाइन स्टक हॉट ऑन हिज फर
fur soft breeze caressed his heated robe. यानी कि नंबर वन या नंबर ए में बताया गया कि सनशाइन थी, उसको धूप भी तेज लग रही थी, लेकिन क्या है, हवा की वजह से उसको ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी, यानी कि बिल्कुल आराम आराम से लग रही थी. नंबर सी में, नंबर बी में, जंपिंग ऑफ ऑल हिज फोर लेग्स एट वंस इन द जॉय ऑफ लिविंग एंड द डिलाइट ऑफ स्प्रिंग. और आप नंबर टू, नंबर बी में क्या बताया गया है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था, यानी कि यहाँ वहां रोशनी भी थी और लोग अपने खेल में मस्त, और चार टांगों वाले आपको जैसे पता रैबिट यहाँ वहां उछल लेते खेल लेते. नंबर सी, बर्ड्स बिल्डिंग, फ्लावर्स बर्डिंग, लीव्स थर्स्टिंग, एवरीथिंग हैप्पी. यानी कि नंबर थ्री में उसने क्या सोचा था कि बर्ड्स थे बहुत ज्यादा खुश थे, अपना काम कर रहे थे, फ्लावर भी बहुत ज्यादा खुश थे और लीव्स गिर रहे थे और सब जगह सब कुछ खुश था. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर. व्हाट सीम्ड मोर अट्रैक्टिव देन स्प्रिंग टू द मोल एंड व्हाट वाज सो गुड अबाउट इट. मोल को स्प्रिंग में कौन सी ऐसी चीज थी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, यानी कि उसको ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टिव हुआ. सो द आंसर इज द मोल फाउंड द बोट इवन मोर अट्रैक्टिव देन स्प्रिंग. ही फाउंड द फिटिंग ऑफ द बोट एंड फैसिनेट द ऑर द कुशंस द रॉक लॉग्स व्हाट अपीयर्ड. तो मोल को सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्टिव, यानी कि एक बोर्ड लगी जो कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी थी, कुशंस लगे हुए थे, और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा देख रहा था कि कैसी है, और यानी कि बोर्ड को देखकर बहुत ज्यादा वो खुश होता क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करी. टू बी ग्रेट अबाउट बोट्स व्हाट डैड नथिंग सीम टू मैटर एज वन स्वैट ड्रीमिंग इन द बोट रीच वंस डेस्टिनेशन और समवेयर एज इवन ड्रॉप्ड इट डाउन द रिवर. तो जैसे कि बताया कि वो बोट देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ था क्योंकि हमने जिंदगी में पहली बार बोट देखी थी और देखा कि इस बोट के अंदर कुशंस और क्या नाम है खाने का सामान सब कुछ रखा था, उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी. और फिर उसको बताया वाटर रैड ने कि हम इस बोट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हम रिवर में भी घूम सकते हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर बी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी एंड देन आंसर द क्वेश्चन. दी गई लाइन को आप पढ़ें, स्टोरी की लाइन को पढ़ें और आपसे सवाल पूछे उसका जवाब दें. Now, number one, as he sat on the grass and looked across the river, a dark hole in the bank opposite, just above the waters, edged catch his eyes. जब वो ग्रास पे बैठा हुआ था तो वहां पर जब दरिया के पार, यानी कि दरिया के पार जब देख रहा था तो होल में, यानी कि दरिया के वहां देख रहा था, होल में से उसको एक अजीब सी चीज नजर आई और उसने देखा अपनी आंखों में कैच के, यानी कि कैद किया कि क्या चीज है. क्वेश्चन नंबर वन, नंबर ए, हु इज सिटिंग ऑन द ग्रास एंड व्हाट वाज द डार्क होल दैट द सॉ. जब वो बैठा हुआ था ग्रास पे तो उसने क्या देखा और ये बताएं कि डार्क होल में उसने क्या देखा. सो आंसर इज द मोल इन द सिटिंग ऑन द ग्रास द डार्क होल दैट ही सी इन द वाटर रेड होम. जब उसने बैठा हुआ था ग्रास पे तो होल में से उसने देखा कि वहां पर एक पानी के चूहे का घर है. Now come to the bee. What does he see in the hole at first? जब उसने होल में से देखा तो पहली चीज उसने क्या देखी वो बताएं. Something twinkled like a tiny star and he soon discovered it to be the water rat. उसने सुराख के अंदर से छोटा क्या देखा कि एक अजीब सी छोटी सी चीज नजर आ रही है, यानी कि उसके करीब आती जा रही है और वो डिस्कवर हो रही है. जब उसने देखा तो वो वाटर रैट था. नंबर सी, What does he see later? यानी कि कुछ देर देखने के बाद उसने और क्या देखा. He saw a little board just big enough for two animals. उसने थोड़ी देर देखने के बाद देखा कि एक छोटी सी बोट है, ना ही कि बड़ी है ना ही कि छोटी है, वो सिर्फ दो जानवरों का वजन संभाल सकती है. नंबर टू, Is it so nice as all that? Asked the mole shyly. ये आपको लाइन दी गई है, इसे बताया कि ये तो बहुत अच्छा है और शर्माते हुए वो बोलता है. किससे आपको बताना है, सवाल पूछा गया व्हाट इज द मोल टॉकिंग अबाउट. मोल किसके बारे में बात कर रहा है. सो आंसर इज द मोल इज आस्किंग शायली अबाउट द बोट. मोल जो जिसके बारे में बता रहा है, पूछ रहा था, वो था बोट के बारे में. नाउ नंबर बी,
Why does he ask this question? उसने ऐसा सवाल क्यों किया? So answer is the boat is something new for the mole. He is not familiar with the river and the riverside life. So उसने क्यों सवाल पूछा? तो हम अब बता रहे हैं इसका आंसर. वो बोट के बारे में सवाल पूछता है क्योंकि मोल के लिए बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसके घर उसको ये इसके बारे में बोट के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, और उसको ये भी नहीं पता कि रिवर साइड की लाइफ कैसी होती है और रिवर कैसा होता है. नंबर सी, व्हाट डज द मोल थिंक वाज स्पेशल अबाउट इट? मोल ने ऐसे क्या सोचा स्पेशल उसके बारे में बताएं. सो आंसर इज द मोल फाइंड द फिटिंग ऑफ द बोट फैसिनेट द बोट ओपन अप बिफोर हिम अनफोर्सीन डेस्टिनेशन लॉन्ग वॉकिंग ड्रीम मेकिंग द वर्ल्ड अराउंड हिम कम अलाइव विद ब्रेथलेस सैंड एंड साउंड. अच्छा जी, नंबर सी में पूछा गया था कि मोल ने कौन सा स्पेशल चीज पूछी गई थी, क्या सोच रहा था. बताया था कि बोट के अंदर अलग अलग किस्म की चीजें फिट थी. जब देखा गया तो बताया कि ये इसकी जिंदगी यानी कि जिंदगी का जो सपना था वो पूरा हो चुका, और बताया कि ये इसमें वो दुनिया के यानी कि पूरे वर्ल्ड में जा भी सकता है, घूम भी सकता है और जिंदा भी रह सकता है, और उसको वहाँ के अलग अलग साउंड से और समझ सुनने को भी मिलते हैं. तो कम टू द एक्सरसाइज नंबर सी, वर्ड्स मीनिंग. नंबर वन, ट्राई टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स. कह रहे हैं कि ये जो आपको लाइन दी गई है इसको एक्सप्लेन करें, समझें, और उसके बाद अपने ही ओन अल्फाजों में आप आंसर लिखें. ए, पेनिट्रेटिंग इवन हिज डार्क एंड लोनली लिटिल हाउस. पहली लाइन में बताया गया है कि सुराख के अंदर से गहरे और सुराख थे वो किसके घर में थे ये बताने. हाउ इज द वर्ड लोनली सूटेबल वन टू यूज हेयर. अब पूछा गया है ये अल्फाज आप सूटेबल बताएं किस में यूज होंगे, कौन से कैरेक्टर के घर में यूज होंगे आपको बताना है. द वर्ड इज लोनली इंडिकेट दैट द मोल हाउस इज स्मॉल बट इट ऑल्सो पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट द सन फ्रॉम इट्स हाइट फिल्टर्स डाउन एवरीवेयर. तो लोनली अल्फाज हमने इंडिकेट करा है मोल के घर में, क्योंकि मोल के घर में छोटे छोटे सुराख थे और हाइट ऊंची थी तो सूरज की रोशनी इसके यहाँ पर आती थी.